नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित क्या निराश हुआ जाए नामक रचना पढ़ेंगे। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी की यह एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसके भीतर हमें उनकी भावना, उनके उद्देश्य एवं सामाजिक विचार के बारे में पता चलता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम लेखक के जीवन परिचय को जानेंगे, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 में बलिया जिला के दुबे छपरा गांव में हुआ था। ठीक है, यानी कि द्विवेदी जी का जन्म जो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 में हुआ था। 20 वर्ष तक द्विवेदी जी शांति निकेतन में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। भारतवर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के भी अध्यक्ष रहे। सन 1971 में इनका देहांत हो गया। तो यहाँ हमें लेखक के जीवन के बारे में पता चलता है कि सन 1907 में उनका जन्म हुआ। अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने मुख्य रूप से शांति निकेतन में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे, साथ ही साथ काशी विश्वविद्यालय एवं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में भी अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे। और सन 1971 में इनका देहांत हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। यदि हम इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाओं में हमें हिंदी साहित्य की भूमिका, अशोक के फूल, बांड भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा आदि है। ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं हैं, ये कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसमें से जो महत्वपूर्ण है वह है हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके अलावा आपका पुनर्वा, अनामदास का पोथा, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इनकी इन्हीं रचनाओं के बदौलत भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया, यानी कि ये पद्म विभूषण की उपाधियों से भी सम्मानित रहे हैं अपनी विशेष लेखन कौशल, प्रतिभा एवं उपलब्धियों के कारण। आइए अब हम इनके द्वारा रचित यह रचना क्या निराश हुआ जाए नामक पाठ को पढ़ते हैं, इसके सारांश को जानने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम लेखक समाचार पत्रों के बारे में बताता है कि समाचार पत्रों में चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि की जो खबरें आती हैं उसे देखकर लेखक का जो मन है वो बैठ जाता है। निश्चित तौर पर जब भी हम समाचार पत्र खोलते हैं उसके भीतर पहले पेज, दूसरे पेज या तीसरे पेज में केवल चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि जैसी नकारात्मक खबरें रहती हैं। इन खबरों को देखकर मनुष्य के भीतर कैसी भावना उत्प्रेरित होगी? निश्चित तौर पर नकारात्मक भावनाएं ही आएंगी। दोषारोपण के कारण लगता है कि देश में कोई ईमानदार रहेगा। आप जब खबरों को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है दूसरे पे दोष लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति पे दोष लगा रहा है, कोई किसी पर दोष लगा रहा है, कोई किसी पर दोष लगा रहा है। तो ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ईमानदार है ही नहीं, सबके भीतर कुछ ना कुछ बुराइयां ही हैं। लोग दूसरों में दोष ही खोजते हैं, गुणों को भुला दिया जाता है। पर हमारे मनीषियों यानी हमारे ऋषि मुनियों ने, ठीक है, का भारत के प्रति जो सपना है वह समाप्त नहीं हो सकता, ऐसा लेखक का विश्वास है। विभिन्न संस्कृति का मिलन केंद्र भारत कभी अपने गौरव को त्याग नहीं सकता। भारत की क्या विशेषता है कि भारत विविध संस्कृतियों का मिलन स्थल है। यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ आपसी भाईचारे और प्रेम के साथ रहते हैं। तो लेखक यही बता रहा है कि भारत का जो गौरव है, भारत की जो अस्मिता है, ऋषि मुनियों के सपनों वाला जो भारत है वह कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। आज अब लेखक जो है वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालते हैं कि आज ईमानदार तथा सच्चे इंसान क्या है, कष्ट पा रहे हैं। बेईमान धोखेबाज लोग फल फूल रहे हैं। सच्चाई केवल भीरू, भीरू यानी कायर और लालच, लाचार, भीरू और लाचार लोगों के हिस्से पड़ी है। जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों का विश्वास हिलने लगा है। जाहिर सी बात है, यदि आप समाज में यह देखते हो कि जो सच्चे और ईमानदार लोग हैं उन्हें केवल कष्ट मिल रहा है और जो बेईमानी कर रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं, वे आगे बढ़ रहे हैं, तो जो सच्चे आदर्श है, जो सच्चे मानवीय मूल्य है, उसके प्रति तो विश्वास हिलने ही लगेगा ना। फिर आपको लगेगा कि हम क्यों सच्चाई, क्यों हम ईमानदार हैं।
जबकि जो धोखेबाजी कर रहे हैं, झूठ के रास्ते पे चल रहे हैं, वे आगे निकल रहे हैं, तो हमें सच्चाई के मार्ग पे चलने की क्या जरूरत है? इस तरह आपका विश्वास भी हिल सकता है। नियम कानून सबके लिए बनते हैं, पर सदा वे नियम सबके लिए सुखकर नहीं होते। भारत में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया गया। लोभ, मोह, क्रोध आदि के स्वाभाविक विचारों के इशारे पर मन और बुद्धि को छोड़ देना बुरा आचरण है। उन पर संयम रखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो लेखक ये बताते हैं कि समाज में बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं, परंतु वह सबके लिए एक समान नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है, आप जो नियम अमीरों के लिए बनाते हैं, वही नियम यदि आप गरीबों पे लाद दें तो नहीं चलेगा। आपको समाज में सबको देखकर नियम बनाना होगा। इसके अलावा भारत वर्ष की क्या विशेषता रही है? लेखक बताते हैं कि भारत वर्ष की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत वर्ष में भौतिक वस्तुओं के संग्रह यानी कि घर, गाड़ी, बंगला, इनको अत्यधिक बनाने की भावना लोगों में नहीं रही है। इसके अलावा लेखक बताते हैं कि मनुष्य को अपने मन और बुद्धि को अपने मन एवं मन को कभी भी जो है वो खुले नहीं छोड़ देना चाहिए। ठीक है, उसे यदि हम अपने इशारों पर चलने देंगे तो फिर वह हमसे गलत गलत काम करवाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? संयम रखने का प्रयास करना चाहिए। संयम के द्वारा ही हम उन्नति के पथ पर चल सकते हैं। इसके साथ ही लेखक यह भी प्रकाश डालते हैं कि आज के समय में, वर्तमान समय में, गरीबों की अवस्था को सुधारने, कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य को उन्नत और सुचारू बनाने की जिम्मेदारी जिन्हें सौंपी गई है, ठीक है, वे लक्ष्य को भूलकर अपनी सुख सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पर लेखक सीधे सीधे इशारे हमारे प्रशासन वर्ग एवं नेताओं की ओर कर रहे हैं, क्योंकि हम नेताओं को वोट देते हैं, उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं, ताकि वे जो है वो गरीबों की अवस्था को सुधारे। जहां जहां कमी है, यदि कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में कोई कमी है, तो उसको उन्नत बनाए और अपनी जिम्मेदारी को सुचारू रूप से चलाए। लेकिन देखा क्या जा रहा है कि उन्हें जो कार्य दिया गया है, जो लक्ष्य दिया गया है, उसे वे भूल गए हैं और अपने ही सुख सुविधा और जेब भरने में लगे हुए हैं, उस पे वे ज्यादा ध्यान देते हैं। आज के समाज में हमें चारों तरफ केवल यही स्थिति दिखाई देने लगी है। इसके साथ ही क्या हो रहा है, आज आदर्शों को लोग मजाक समझने लगे हैं। यदि कोई उच्च आदर्शों की बात करता है, कोई सच्चाई की बात करता है, कोई ईमानदारी की बात करता है, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। संयम को पुरातन पंथी मान लिया गया है। यदि आप संयम की बात करते हैं तो लोग आपको मानते हैं कि आप पुराने जमाने के लोग हैं, पुराने विचार के लोग हैं, आपको आधुनिक चीजों की जानकारी नहीं है। पर भारत के प्राचीन आदर्श महान और उपयोगी बने हुए हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता है। धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी, आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए। लेखक यहाँ बताते हैं कि भारतवर्ष में कानून को तो महत्व दिया जाता है, लेकिन धर्म को विशेष महत्व दिया जाता है। और उसी धर्म में सेवा, सच्चाई, ईमानदारी, आध्यात्मिकता, करुणा, दया, कृपा जैसी भावनाओं को भी बताया गया है। और वह भावनाएं आज भी भारतवर्ष में बनी हुई हैं। आज भी मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ चोरी पर पीड़ा को पाप समझता है, बुराई में रस लेना बुरी बात है, दोषपूर्ण कथन को कर्तव्य मान लेना अनुचित है, किसी के सद्गुणों को उजागर ना करना बुरी बात है, अच्छी घटनाओं के उजागर करने से लोगों के मन में अच्छी भावना जगती है। तो लेखक बताते हैं कि भले ही समाज में एक नया तरीके का फैशन चल गया है, भले ही जो सच्चाई और ईमानदारी की बात करते हैं उसे लोग पुरातन पंथी मानते हैं, परंतु कहीं ना कहीं आज भी मनुष्य के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं। यदि कोई भ्रष्टाचार करता है, चोरी करता है, तो उसे लोग गलत कहते हैं कि भाई आप गलत हो। ठीक है, लेखक इसके साथ ही बताते हैं कि कोई किसी की बुराई कर रहा है तो उसमें आपको बहुत आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, तो ये गलत बात है। इसी तरीके से अगर आप किसी ने अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, तो आप उसके सद्गुणों को नहीं बताते हैं, अच्छी घटनाओं को नहीं बताते हैं, तो ये भी बुरी बात है।
आपको अच्छी घटनाएं बतानी चाहिए। इससे क्या होता है, लोगों के मन में सकारात्मक भावना पैदा होती है, साथ ही साथ वे भी प्रेरित होते हैं कि वे कुछ अच्छे कर्म को कर सकें। लेखक इन बातों को बताने के साथ ही साथ उदाहरण भी देते हैं, ठीक है, वे केवल ऐसा नहीं है कि केवल कोरी बात कहे जा रहे हैं, समाज में बुराई भी है और अच्छाई भी है, ऐसी बात नहीं है, लेखक उदाहरण भी देते हैं। लेखक अपने साथ हुए कुछ घटनाओं का उदाहरण देते हैं, जैसे देखिए, एक बार लेखक रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दे दिए, फिर जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू डिब्बे में आकर उन्हें पहचान लिया और उनके हाथ में 90 रुपए देकर संतोष की गरिमा का अनुभव किया। लेखक चकित रह गए। इससे स्पष्ट होता है कि दुनिया से सच्चाई ईमानदारी लुप्त नहीं हुई है। तो लेखक उदाहरण के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से बताते हैं, वे स्वयं अपने साथ हुई घटना के बारे में बताते हैं कि एक बार लेखक जो है वो रेलवे स्टेशन पे, कई बार होता है ना, व्यक्ति जल्दबाजी में रहता है, ट्रेन छूटने वाली रहती है, तो हड़बड़ी में व्यक्ति कुछ रुपए ज्यादा दे देता है या कम दे देता है, तो लेखक के साथ भी ऐसा ही होता है, 10 के बजाय वो 100 का नोट दे देते हैं और जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन वह जो टिकट बाबू थे वो काफी ईमानदार थे और उन्होंने वापस जो है 90 रुपए लाकर दिए और बहुत ही संतोष के साथ। तो लेखक को बड़ा आश्चर्यचकित होता है और साथ ही साथ उनका विश्वास भी बढ़ता है कि दुनिया में आज भी सच्चाई और ईमानदारी कहीं ना कहीं बची हुई है, ठीक है। इसके साथ ही लेखक और एक घटना का वर्णन करते हैं, एक और घटना का जिक्र करते हैं कि एक बार लेखक अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ बस में यात्रा कर रहे थे। कुछ खराबी के कारण बस गंतव्य से पहले ही एक सुनसान स्थान में रुक गई। बस कंडक्टर एक साइकिल लेकर तुरंत चल दिया। लोगों को संदेह हुआ कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। लेखक के बच्चे पानी के लिए चिल्ला रहे थे। कुछ यात्री बस ड्राइवर को मारने के लिए उतारू हो गए। लेखक ने किसी तरह ड्राइवर को बचाया। इसी समय बस कंडक्टर अड्डे से एक नई बस लेकर आ गया और लोगों को उसमें बैठने के लिए कहा। लेखक के बच्चों के लिए एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध भी लेता आया था। वह बोला कि बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी। 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। इस घटना से सिद्ध होता है कि मनुष्यता एकदम समाप्त नहीं हो गई है। लोगों में दया, प्रेम, सेवा की भावना आज भी मौजूद है। देखा कि दूसरी घटना का वर्णन करते हैं, जिसमें बताते हैं कि एक बार वे अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बस से कहीं जा रहे थे, तो जहां जा रहे थे उस स्थान पर पहुंचने से पहले ही बस खराब हो जाती है और बस का जो कंडक्टर होता है वो तुरंत साइकिल लेकर भाग उठता है। तो उसको भागते हुए, मतलब जाते हुए देखकर लोगों को संदेह होता है कि निश्चय ही ये डाकुओं को बुलाने जा रहा है या डाकुओं के गिरोह से मिला हुआ है, इसलिए ड्राइवर को पीटने के लिए भी उतारू हो जाते हैं, लेकिन लेखक ड्राइवर को बचाता है। तभी वो लोग देखते हैं कि जो कंडक्टर है, जो चला गया था, वो एक दूसरा बस लेकर आ रहा है। इतने में क्या होता है कि जो लेखक के बच्चे रहते हैं वे भी पानी के लिए चिल्ला रहे होते हैं, तो देखते हैं कि वह जो ड्राइवर है वो कंडक्टर है वो पानी भी लेकर आया है। तो ये देखकर लेखक को विश्वास होता है कि आज भी क्या है, दया है, माया है, सेवा की भावना आज भी समाज में विद्यमान है। तो समाज में ये स्थितियां बनी हुई हैं। समाज में हमें क्या होता है, दोनों प्रकार की स्थितियां समाज में बनी हुई है देखने को मिलती हैं। धोखा, छल, कपट, विश्वासघात भी है। तो लोगों के द्वारा दूसरे की अकारण यानी बिना किसी कारण के, बिना किसी स्वार्थ के सहायता भी है। इससे निराश मन को सांत्वना मिलती है, साहस मिलता है कि अगर समाज में बुराई है, चोरी है, धोखाबाजी है, भ्रष्टाचार है, तो कहीं ना कहीं प्रेम भी है, ईमानदारी भी है, एकता की भावना भी है, लोग बिना किसी मतलब के दूसरे की सहायता भी करते हैं। तो इससे मन में क्या होता है, विश्वास बना रहता है। और इसके साथ ही लेखक एक दूसरे महान लेखक का, महान कवि का परिचय देते हैं, जिनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर भी प्रभु उन्हें ऐसी शांति दे कि वे उन पर संदेह न करें। कभी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। भारत, महान भारतवर्ष,
पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी, अतः निराश होने की जरूरत नहीं है। लेखक बताते हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के माध्यम से कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी अपनी एक कविता जिसका नाम है आत्मत्राण, उनकी एक कविता है आत्मत्राण, उस कविता में रविन्द्रनाथ ठाकुर जी जो है वो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जीवन में भले ही नुकसान उठाना पड़े, धोखाबाजी मिले, तो भी उनके जो मन का विश्वास है वो कभी डगमगाए नहीं, उनकी जो आशा की ज्योति है वो कभी भी बुझे नहीं, क्योंकि समाज में दोनों स्थिति देखने को मिल रही है। समाज में केवल नकारात्मक परिस्थितियां नहीं है, केवल बुरे लोग भरे हुए नहीं है, समाज में दोनों तरह के लोग हैं। इसीलिए जो हमारा सपनों का भारत है उसे पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी, निराश होने की जरूरत नहीं है, और अपने भीतर जो ईमानदारी है, जो सच्चाई है, प्रेम, करुणा, दया, इन भावनाओं को भी बनाए रखने की जरूरत है। तो अपने इस रचना के माध्यम से लेखक यही मूल बात हमें बताते हैं, और इसके साथ ही इस पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थ भी हैं जिसके माध्यम से आप नए नए शब्दों के साथ आपका परिचय बढ़ सकेगा। जैसे तस्करी, तस्करी यानी चोरी, भीरू यानी डरपोक, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, निरीह, असहाय, आरोप, आरोप यानी किसी पर इल्जाम लगाना, बेबस, लाचार, दोष, बुराई या अवगुण, आस्था यानी विश्वास, अतीत यानी जो बीत चुका है, विधि, विधि निषेध का मतलब होता है किसी भी काम को करने या ना करने का नियम, गहवर, गहवर का अर्थ होता है गुफा, परीक्षित यानी परखे हुए, जिसको परखा गया है, मनीषियों का अर्थ होता है ज्ञानी, विचारशाल, विचारशील व्यक्ति, निर्मित यानी बनाया हुआ, माहौल यानी वातावरण, त्रुटियां यानी गलतियां, संदेह, शक, जीविका, रोजी रोटी, विकार यानी बुराई, श्रमजीवी का अर्थ होता है मजदूर, निरकृष्ट यानी बुरा आचरण,